सोलर पैनल है जो कि मॉडल नंबर ECO 300 है और टोटल 300 वाट का मैक्सिमम करंट ये जनरेट करता है डीसी में। और इन इन सभी को इस तरह से वायरिंग की गई है और वायरिंग के माध्यम से ये सभी आपस में जोड़ करके अगले उसमें इसको जोड़ा गया है और ये इसके साथ जोड़ा गया है प्लस को माइनस में, यानी कि ये सभी सोलर प्लेट्स जो हैं इन्हें सभी को सीरीज़ में लगाया गया है। प्रॉपर पूरी वायरिंग की गई है और सबको सीरीज में जोड़ा गया है और जो इसका फाइनल आउटपुट 8 प्लेटों का आया है वो स्पिलर के माध्यम से ज़मीन के नीचे से केबल ले जा करके ये दूसरे पिलर में ले जाया गया है जहाँ पर ये 8 प्लेट्स और लगी हैं पावर टेक की, जो कि शक्ति पंप्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। मध्य प्रदेश के देवास का ये इलाका है जहाँ पर ये इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। तो कुल 16 सोलर प्लेट्स हैं जो कि इंस्टॉल की गई हैं, सभी सीरीज़ में लगाई गई हैं और टोटल जो करंट है वो इस कंट्रोलर बॉक्स में जाकर आ रहा है जिसमें लिखा है सोलर पंप ड्राइव MP ऊर्जा विकास निगम ईयर 17-18 शक्ति पंप्स के द्वारा इसे प्रोवाइड किया गया है। इस वक्त मोटर चल रही है और करीब 44 के ऊपर यहाँ पर जो ये डिस्प्ले मीटर दिखा रहा है और जैसा हमें बताया गया है कि 35 के ऊपर ये जब वैल्यू आ जाती है तो मोटर स्टार्ट हो जाती है और ये बड़ी अच्छी वैल्यू है, यानी अच्छी धूप मिल रही है और अच्छा पावर जनरेट हो रहा है। और इस बॉक्स में टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, शक्ति पंप्स का पूरा दिया हुआ है, वार्निंग लिखी हुई है, ये एक MCB दी गई है जिसमें प्लस और माइनस में ये दोनों यहाँ पर जो सोलर के प्लेट्स हैं इनके दोनों करंट आते हैं और ये जो तीन तार दिख रहे हैं ये तीनों मोटर में गए हैं, तीन फेज जो है करंट बनाती है और ये ऑन और ऑफ़ का